होगी तथा शहर में सुबह 8 बजे दिन से 9 बजे रात्रि तक ट्रक एवं भारी वाहन का प्रवेश किसी एंट्री पॉइंट से वर्जित रहेगा। नंबर 5, अगर आप सिवान शहर के हैं या जिले में घूमने जा रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। दरअसल सिवान शहर के बीचों बीच से प्रवाहित हो रही दाहा नदी पर बने पुल से परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये रोक जिला प्रशासन ने लगाई है। बीते दिनों ऐसी खबरें आई कि दाहा नदी पर बने पुल के एक स्पैन के गार्डर में दरार आ गई है। दरार के कारण पुल का ऊपरी हिस्सा एक जगह धस भी गया है और गार्डर में नीचे तक दरार आ गई है। इसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने बुधवार से सिवान मैरवा गुठनी पथ के दाहा नदी पुल पर बने RCCHL पुल से सभी प्रकार के परिचालन को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्देश दिया है। यहां तक कि लोगों के पैदल आने जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना अंतर्गत निर्मित दाहा नदी पुल का उद्घाटन 10 जून 2011 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। तब सिवान सदर के विधायक बीजेपी से व्यासदेव प्रसाद थे तो वहीं सांसद ओम प्रकाश यादव थे। इस पुल के निर्माण के बाद जिला के स्थानीय नेताओं ने खूब अपनी पीठ थपथपाई थी। बहरहाल दाहा नदी पर बने पुल को कुछ समय के लिए मरम्मत कार्य हेतु बंद किया जा रहा है। करीब 1.5 से 2 माह में मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद पुनः पूर्ववत परिचालन शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इसकी जांच के लिए मुंबई से भी टीम आने वाली है। इस पुल के बंद हो जाने के बाद बड़े और छोटे वाहनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से होगा। अब बड़े वाहनों और मध्यम वाहनों को लिंक रोड के माध्यम से भेजा जाएगा। वाहनों को शहर के बाईपास यानी छोटपुर से तरवारा मोड़ के रास्ते भेजा जाएगा। छपरा की ओर से आने वाले वाहनों को तरवारा मोड़ से स्टेशन रोड होते हुए दारोगा प्रसाद राय कॉलेज के रास्ते निकाला जाएगा। वहीं पटना मसरख की तरफ जाने वाले वाहनों को छोटपुर से तरवारा मोड़ के रास्ते निकाला जाएगा। इससे छपरा गोपालगंज एक्सप्रेसवे के अलावा स्टेशन रोड में भी वाहनों के गुजरने से दबाव बढ़ जाएगा। वहीं सिवान में आने जाने वाले दो पहिया वाहनों और पैदल यात्रियों को जिला मुख्यालय के विभिन्न मार्गों से आवागमन करना होगा।